कर्नाटक के सीएम बीएस येदुरप्पा ने किया मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान। लंच के बाद राज्यपाल से करेंगे मुलाकात। आज दिल्ली पहुंचेंगी सीएम ममता, पीएम मोदी सहित कई विपक्षी नेताओं से करेंगी मुलाकात। सीएम योगी ने सेना के मेजर को दी श्रद्धांजलि, परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। केंद्र सरकार ने राज्यों से कोविड-19 महामारी में माता पिता को खोने वाले बच्चों का मांगा ब्यूरो, कहा 15 दिनों में पूरा हो काम। जौनपुर पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, पैर में लगी गोली, एक सिपाही भी हुआ घायल। सचिन पायलट आएंगे दिल्ली, बागी विधायकों को कैबिनेट में मिलेगी जगह, कांग्रेस ने ढूंढा राजस्थान में सुलह का फॉर्मूला। चुनाव से पहले बढ़ सकता है शिक्षा मित्रों का मानदेय, 4 साल से नहीं हुई है वृद्धि, 10,000 रुपए मिलता है मानदेय। अलीगढ़ की पहली महिला डीएम बनी शैलबा कुमारी, चंद्रभूषण सिंह को भेजा गया मुजफ्फरनगर। चुनाव से एक साल पहले ही गुजरात में बिखरा कांग्रेस का पारवा, हार्दिक भी ताकत की वजह बने बोझ। यूपी के 11 जिले हुए कोरोना से मुक्त, 53 जिलों में नहीं मिला एक भी नया मरीज। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।